योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है और मथुरा के 7 शहरों में अब शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। ये एक जो हमारा धार्मिक हमारी इंटिटी है, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो मथुरा है, वहां शराब और मांस की पहले भी बिक्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए योगी जी आए तो उन्होंने ये फैसला लिया। बाकी मुलायम, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, इनके लिए तो अलीगढ़, देवबंद, यही सब महत्वपूर्ण था। अयोध्या, मथुरा, काशी को तो उन्होंने अछूत बना रखा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार को घोषणा की कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद करके और इन कार्यों में जो लोग लगे हैं उन सबको पुनर्वासित किया जाएगा, यानी उनको बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा। वो कृष्ण जन्माष्टमी में भाग लेने आए थे और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व यानी 2017 में यहाँ की जनता की मांग पर मथुरा और वृंदावन नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया था, यानी योगी जी के बनने के बाद। उससे पहले आप सोचो कितना हमारे साथ तथाकथित सेकुलर के नाम पर हरे टिड्डों को तुष्ट करने वाली सरकारों ने हिंदुओं के साथ कितना धोखा दिया है। फिर यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को राजकीय रूप से तीर्थस्थल घोषित किया गया। अब जनता की कामना है कि इन पवित्र स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री ना की जाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा ही होगा। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि जो लोग इन कार्यों से जुड़े हैं उन्हें अन्य कार्यों का प्रशिक्षण देकर पुनर्वास किया जाएगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। अच्छा होगा कि जो काम इसमें लगे हुए हैं उनके लिए दुग्ध पालन के छोटे छोटे स्टॉल बनाया जाए। तो मांस बेचने वालों को और शराब बेचने वालों को दूध बेचना, भाई योगी जी वाह, ये है सात्विकता, ये है शासन में अगर कल्चरल समझ हो तो 5-7-10 साल के शासन में भारत के कोने कोने तक सनातन की जो है वो गूंज चली जाएगी। 10 साल बहुत होते हैं और ये उन्होंने कहा शराब और मांस बेचने वालों को दूध बेचना होगा, ये छोटे छोटे स्टॉल बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हमारा उद्देश्य किसी को उजारना नहीं बल्कि पुनर्वास करना है और ब्रजभूमि को पुनः नए कलेवर के साथ विकास की दिशा में ले जाना है। विकास के लिए हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास हो, यही हमारी विरासत है, ये बड़ी बात है। विकास के मतलब सिर्फ रोड और इंटरनेट और यही सब नहीं है, और सांस्कृतिक विकास, विकास नंगा है, उसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और अध्यात्म को जोड़ने पर वो विकास पूरा होता है, यानी उस पर कपड़े पहनते डाले जाते हैं, पूर्ण बनता है। तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास हो हमारी यही कोशिश है और हमारी यही विरासत है जिसे हमें सहेजना है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने रामलला के दर्शन किए, यानी इस देश में हमारे साथ कांग्रेस सपाइयों बसपाइयों ने कैसा अछूत जैसा व्यवहार किया, ये आपको इससे कि कांग्रेस ने हमारे राम के साथ, कृष्ण के साथ, शिव के साथ, और हम उनको वोट दे रहे हैं, कभी कभी चुल्लू भर पानी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों की पूजन करने और दर्शन करने से पहले की सरकारों को भय रहता था कि कहीं वो सांप्रदायिक न हो जाए उनका लेकिन, और नरेंद्र मोदी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला के दर्शन किए, अचकन टोप नेहरू मस्जिद जाते होंगे। तो ये बड़ी बात है और ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, मुझे कई वीडियो जिस तरह से आते हैं, खासकर जो देवभूमि उत्तराखंड है, वहां ऋषिकेश में, हरिद्वार में लोग मांस पवित्र गंगा जल में, जो गंगा जल हम पूजा के लिए लाते हैं, उसके बाद देहरादून जाता हूँ बेटे को छोड़ने, बड़े पैमाने पर सहारनपुर रोड जो उधर जाते हैं, हरे टिड्डों की बस्तियां बस्ती जा रही है, मन दुखी हो जाता है कि हमारे पवित्र स्थलों को तो छोड़ दो, जहां बसना है जाओ जाओ बसो, लेकिन हमारे पवित्र, और ये सब आबादी का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं करने के कारण हुआ। जब आधे अधूरे लिए जाते हैं तो कैसे लंगड़ा विकास होता है, ये भारत की विभाजन के बाद, भारत की आबादी के बाद हुआ। और अंबेडकर चाहते थे कि आबादी का पूरा अदला बदली हो, जो लोग हैं
जिन्ना के देश के निर्माण के लिए वो वहां जाए, लेकिन अंबेडकर की बात भी नहीं मानी गई, सिर्फ उनको मूर्ति बना बना के कैद किया गया। रेडियो पर गांधी नेहरू ने जाते हुए लोगों को, भारत के साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसी इन लोगों के कारण घटी, और इसीलिए आज हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि आज भी मथुरा काशी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या चाहे कि राम मंदिर रामलला हमारे स्वतंत्र हुए और राम मंदिर हमारा निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। तो हम सबको एक बात ध्यान, सिर्फ विकास नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास, आप ये समझ लीजिए। सिर्फ विकास में आपने रोड बनाए, ठीक है, अब यहाँ शाहीन बाग बैठ गया और टिकैत रोड खत्म कर देगा, लेकिन यदि हम इस विकास के साथ वहां के हमारे जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक कल्चर का विकास करते चले जाएं, तो ये वहां आएंगे नहीं, एक कालनेमी समय हिंदू संस्कृति के विकास को आगे ले जाएं, तो जाकर हम सही विकास तक पहुंच सकते हैं। तो योगी जी के इस निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन, और मैं चाहता हूं योगी जी आप बार बार आए, और कम से कम मैं थोड़ा सा भावुक हुआ कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि किसी ने कब्जा कर रखा है, तो मन कई बार पीड़ा हो जाता है, बहुत बहुत तेज पीड़ा हो जाती है। और ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास की यात्रा में हमें अपने सांस्कृतिक प्रतीकों, अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक मंदिरों को मुक्त करना होगा। सरकार से आग्रह है, इसी तरह जैसे योगी जी कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को सरकार मुक्त करे, कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि हिंदू के मंदिरों का पैसा हिंदू के ही कल्याण, वहाँ गुरुकुल खुले, वहाँ उनके अस्पताल खुले, सब ये सब खुले, हमारा पैसा चिड्डू और इन सब के उधर जाए तो मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन अयोध्या मथुरा की ये बात सुनकर बड़ी तृप्त हो गई कि मथुरा में कम से कम मांस और शराब की बिक्री नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, वहां दूध की बिक्री होनी चाहिए, और ये योगी जी प्रयास कर रहे हैं।